डेंटिस्ट रूरल एरियाज में नहीं कमा पाते तो वो इस तरफ जाते नहीं, मगर ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट रूरल एरिया में कमा नहीं सकते। देयर आर सो मेनी डेंटिस्ट जो उनको मैं जानता हूँ जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, वहाँ डेंटिस्ट ना होने की वजह से वहीं पे क्लिनिक खोलते हैं, मास प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है यस, बट अच्छा अप टू 2.5 to 3 lakhs तो एटलीस्ट लेके जाते हैं आराम से करके, तो इतना होता है। तो ये एक गलत फहमी है लोगों के दिमाग में कि रूरल एरिया में प्रैक्टिस नहीं चल सकती। इनफैक्ट मेरे जो वाइफ के मामा है वो रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, इज डूइंग वंडरफुल वर्क। बैंगलोर से थोड़ी सी नहीं काफी दूरी पे अस्सी केरे नाम के एक स्मॉल टाउन है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज देयर इज नो वन वहाँ पे, और कोई और डेंटिस्ट नहीं है और उनके पास दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं और अच्छी प्रैक्टिस है, अप टू 10 lakh तक की प्रैक्टिस है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि टाउन में या सिटी में ही अपॉर्चुनिटीज है, आपको काम आता है तो आपको ये थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने चार्जेस को। हर कोई ये नहीं सोच सकता कि बस मैं दुनिया का इम्प्लांटोलॉजिस्ट ही बनूंगा, इम्प्लांट्स आप वहां भी डाल सकते हैं, तो आपके पास इतना बड़ा मार्जिन है हमारे पास कि हम उससे खेल सकते हैं।